सो हे गाइस, मेरा नाम है टेक्सर और आप देख रहे हैं सेटिंग डाके। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप ही के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें पढ़ाई करते करते यूट्यूब में वीडियोस बनाने चाहिए या फिर अपने को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है। और इस यूट्यूब पे कितने सारे पैसे बन जाते हैं, किस टाइप से इसमें अर्निंग कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें लोगों का क्वेश्चन मेरे से रहा है। और उसके बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं और अगर आपकी पढ़ाई अब कम्प्लीट नहीं हुई है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप पढ़ाई को फोकस कीजिए, ना कि आप यूट्यूब पे जाइए। हाँ, अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है अगर और उस टाइम पे आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आप वो कर सकते हैं तो आप करिए। आप उस टाइम पे जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब आप कंसिस्टेंट इसमें वीडियो नहीं बना पाएंगे और इस चीज़ के वजह से आपका जो यूट्यूब का जो जर्नी है उतना अच्छा से नहीं बीत पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तब की स्थिति में आप वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मे बी आपके पास उतना ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो आपके पास जो फ़ोन होगा उसी से आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस YouTube के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद करने लग जाएंगे। YouTube के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता आता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं की है तो सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि YouTube कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पर रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आप YouTube में या फिर किसी दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे तो आपका ध्यान उन पैसों पे चला जाएगा, आपका ध्यान पूरे पैसे की ओर बढ़ने लग जाएगा, ना कि आपका पढ़ाई की ओर। देखिए, हो सकता है कि आपका बिजनेस डूब जाए, हो सकता है कि आप YouTube पे सक्सेस ना हो पाएं, लेकिन आपकी पढ़ाई अगर रहेगी और आपको अगर जॉब नहीं लगता है उसके बावजूद भी आप पढ़ाई के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, आप वो चीज़ सीख करके बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते रहते हैं लेकिन उनको मनचाही जॉब नहीं मिल पाती, तो YouTube पे आकर के उन लोग बहुत ज़्यादा सस्टेन करना चाहते हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि इसमें लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। तो जिन लोग भी ये चीज़ बताते हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए कि उन लोग कितना कमाते हैं, क्योंकि जिन लोग भी ये एडवाइस देते रहते हैं बहुत सारे लोग कि आप YouTube पे आइए, YouTube पे ये हो सकता है, YouTube पे ऐसा हो सकता है, आप फेम नेम कमा लेंगे, तो देखिए बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं वीडियोस, बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आपको ये रेशियो भी पकड़ के चलेंगे तो आपको बहुत कम ही लोग ऐसे दिखेंगे जिन लोग के पास बहुत बढ़िया मतलब कि अर्निंग आता होगा और हर महीने जिन लोग अच्छा खासा अर्निंग कमा पाते हैं, वो बहुत गिने चुने से लोग होंगे। अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग व्लॉग वगैरह बनाने लग जाते हैं और मुश्किल से थोड़े बहुत व्यूज़ आने लगते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत हम लोग के व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा कुछ करके हर महीने पेमेंट आ जाएगा। देखिए, YouTube में क्या है कि 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना और 1000 सब्सक्राइबर गेन करना काफ़ी इजी टास्क है। मैं मानता हूँ बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने कंटेंट अच्छा बनाया तो ये बहुत इजी टास्क है। आपका 4000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और इवन तो आपका 1000 जो सब्सक्राइबर है उससे कई गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो पहला पेमेंट आपका आ जाएगा उसके बाद हर महीने आपका $100 कंप्लीट होगा और उसके बाद हर महीने आपका पेमेंट आएगा, क्योंकि पेमेंट आने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए आपको पूरा भरपूर आपको टाइम देना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत यूट्यूबर्स को देखा होगा जिन लोग के मतलब लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं या फिर हजारों में भी हैं, पर काफ़ी अच्छी कई लोग के अर्निंग आते हैं, लेकिन कई लोग के आप व्यूज़ देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं। लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे और व्यूज़ कितने आ रहे होंगे, 100-150 व्यूज़ आ रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम रहती है। यानी कि अगर उनके बात करूं मैं उनके हर महीने की कमाई के, तो बहुत कम होता होगा कमाई। देखो, उनके पास सब्सक्राइबर की कोई कमी नहीं है, उनका वॉच टाइम भी बहुत मतलब पहले का बहुत अच्छा रहा होगा, कुछ वीडियोस वायरल भी हुए होंगे, तो उनसे उनके पैसे अच्छे खासे जनरेट हो गए होंगे। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप वीडियोस बनाने लग रहे हो तो अभी आपको क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा, इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी कंटेंट देना चाहोगे तो सच में आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आप पढ़ाई को ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, तो इसलिए आप लोग YouTube पे आने का मत सोचिए। अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तभी आप YouTube पे आने का सोचिए। अब बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ों बता के आपको भड़काएंगे कि हमको ये मिलता है, हमने मतलब इतना सारा पैसा कमा लिया, हमने घर बना लिया, हमने गाड़ी खरीद ली, हमने अपना इतना अर्निंग कमाते हैं, इतना ज़्यादा फेम कमा लिए। ये सारी चीज़ें एक प्रकार से अच्छी बात है कि उन्होंने कमा लिया, लेकिन सबका ये चीज़ हो पाएगा ये गारंटी नहीं देता कोई भी। आपको अपना टैलेंट, अगर आपको पता है कि आप जिस चीज़ में काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कभी भी वेस्ट मत कीजिए। अगर आप पढ़ाई करते करते इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, पर मेरे ख्याल से उस स्थिति में अगर आपका पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको फोकस कीजिए, ना कि आप YouTube पे आइए। तो आज की वीडियो में बस मैं आपके इन सवालों का जवाब देना चाहता था। और मैं बात करूँ अगर मेरे कमाई की, तो अभी तक मैंने इस चैनल से एक भी रुपया नहीं कमाया है। इसके अलावा मेरे पास
और चैनल में मैंने काम किया है, तो उधर से भी मैंने तो पैसे अब तक नहीं लिए हैं, क्योंकि मैंने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए ही वो उसमें काम किया था, जहाँ पर मैं वॉइस ओवर का काम करता हूँ। और अगर आपको भी कुछ काम करने होंगे और आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी और आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। बहुत सारे इसमें आपको कंटेंट मिल जाएंगे कि किस किस टाइप का बनाना होता है, किस टाइप का चीज़ करना होता है। आप यूट्यूब से ही काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हाँ, और स्टूडेंट के लिए एक बात कहना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छे खासे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, अगर आपको अपने पढ़ाई के लिए कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे या फिर इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और YouTube का या फिर इंटरनेट का यूज़ कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।